चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके कुछ जीके जीएस के मॉक टेस्ट दे रहे हैं हम लोग। तो इस तरह के 19 टेस्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं, ये आपका 20वां टेस्ट है। आज की क्लास में हम लोग इंडियन कल्चर यानी कि भारतीय संस्कृति से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेंगे और उनके आंसर विस्तार में बताऊंगा। ठीक है, याद रखिए इसमें आपके वही क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं, या तो पहले पूछे जा चुके हैं या आगे की आने वाली परीक्षाओं में पूछने की पूरी संभावना है। तो याद रखिए, बड़े अच्छे से इन्हें लगा लीजिए। अगर आपको विस्तार में पढ़ना है तो पहले हम लोग किरण सामान्य ज्ञान बुक्स को कवर कर चुके थे, उसे जाकर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो 20वें टेस्ट का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? चिन्नाय, पुन्नाय, शिवानंदम और बादीवल्लू भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित शिक्षक और संगीतकार थे? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। तो क्या लगाओगे आप लोग? बी ऑप्शन। क्या? बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए बुनाई। इसमें बुनकरों को दिया जाता है। किसे? बुनकरों को, बुनाई के लिए। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही है। दरभंगा महल किस प्रदेश में है? ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है ये। ठीक है, अब आपसे मुझे लगता है कि कई क्वेश्चंस अगर इस तरह का पूछ ले परीक्षा में तो आप कहाँ लगाएंगे? बिहार लगाएंगे अधिकतर लोग, क्योंकि आपने देखा होगा कि दरभंगा जिला कहाँ है? बिहार में। तो ऐसा आपको नहीं पढ़ना है, दरभंगा महल आपको इलाहाबाद में देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है, क्वेश्चन अगला, ले संगे खबाबस त्योहार का पुराना नाम क्या है? तो आप जानते हैं कि सिंधु दर्शन। क्या है? सिंधु दर्शन। सी ऑप्शन आपका सही है। 2009 में, 2009 के उत्तरार्ध में केंद्र सरकार द्वारा GAI यानी कि भौगोलिक संकेत मान्यता प्राप्त एक आदतीय बुनाई शैली तांग लिया साल को मान्यता दी गई, यह किस प्रदेश से संबंधित है? ये आपका वो गुजरात से संबंधित है। एक बात और याद रखिए, करंट में जो भी आपके GI टैग दिए जाते हैं उनके बारे में हमेशा याद रखिए, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आपके हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी करंट में याद रखा करिएगा, आपकी देखते हैं पतली कभी भी एक 20-25 रुपए की आपकी करंट की बुक आती है वन डे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, वन लाइनर में उसे आप लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका सब कुछ दिया रहता है। क्वेश्चन हमारा, मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? मैत्री मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपका पुडुचेरी में देखने को मिलेगा। कहाँ? पुडुचेरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, इस्कॉन की स्थापना कब हुई? ये आपकी 1966 की बात है। कब की? 1966 की। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ की बात कर रहा हूँ। इस्कॉन को क्या कहते हैं? फुल नाम क्या इसका है? पूरा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ, इसकी स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क में हुई थी। कहा? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जोधपुर के निकट ओसियान का मंदिरों का शहर किन राजाओं ने बनवाया गया था? किन राजाओं के द्वारा इन मंदिरों को बनवाया गया? तो ये थे प्रतिहार राजाओं ने बनवाया था। क्या लगाएंगे आप? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ स्थित है? एमराल्ड बुद्ध का मंदिर कहाँ देखने को आप को मिलेगा? ये आपको थाईलैंड में मिलेगा, थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक, उसी में वहीं मिलेगा आपको। आप जानते हैं कि भारत से आप सोचते हैं कि कई देशों में हमारा बौद्ध धर्म फैला, जैसे चाइना हो गया आपका, चीन हो गया, हमारे भारत में ही बुद्ध का जन्म हुआ।
यानी कि हमारी भारत में मेहनता वो रहे सबसे ज्यादा। उसके बाद देखा भारत से किस तरह अन्य देशों में धर्म पहुंचा, समझ रहे हैं। बुद्ध की बायोग्राफी आपकी कवर की थी, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं पूरा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित पर हमें ध्यान देना है, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, निम्नलिखित में से कौन ग्रेगरियन कैलेंडर की एक ही वर्ष में पढ़ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सिविल सर्विस में अधिक पूछे जाते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये महावीर जयंती भी पढ़ सकती है और दूसरा बुद्ध पूर्णिमा भी, ठीक है। ये आपकी महावीर जयंती की बात करूं तो अप्रैल मार्च में के करीब पाई जा मनाई जाती है, और बुद्ध पूर्णिमा की बात करूं तो अप्रैल मई में, और गुरु नानक जयंती तो आप जानते हैं कि नवंबर में मनाई जाती है, ठीक है। तो इसमें आप एक दो यानी कि बी ए ऑप्शन सही है बिल्कुल आपका। कौन सा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हमारा, 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? 13 ताली नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? तो ये राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का। इसमें महिलाएं नृत्य करती हैं, करते समय 13 जगह पर मजीरे बांध लेती हैं, ठीक है महिलाएं। क्वेश्चन है हमारा, वाटसन के होटल या फिर एस प्लानेड हवेली जो भारत की सबसे पुरानी जीवित कास्ट आयरन बिल्डिंग है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ये आपको देखने को मिलेगी मुंबई में। कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजाति का धर्म, जनजातियों का धर्म या रीति है? कौन सी? दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म या रीति है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों का, ठीक है। इसका अर्थ होता है सूर और चंद, दोनों पोली का, सूर और चंद। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है? भज की गुफाएं महाराष्ट्र में है, बाकी गुफाएं आपकी मध्य प्रदेश में है, ना कि महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, भेड़सा की गुफाएं ये भी आपकी महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या लगाओगे आप लोग? बी ऑप्शन, क्योंकि बाघ की गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने, दलाई लामा को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? दलाई लामा को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? ये माना जाता है अवलोकितेश्वर का, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तिब्बत के गुरु हुआ करते थे, लेकिन आप समझ रहे हैं कि आजकल ये भारत में रह रहे दलाई लामा, क्योंकि तिब्बत पर आपने देखा है कि चीन ने आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी सीमा चीन से पहले नहीं लगती थी, लेकिन जब से तिब्बत को हथिया लिया है चाइना ने, तब से हमारी सीमा चाइना से भी लगने लगी है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में क्या नागर द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्या है? तो आप जानते हैं कि मंदिर निर्माण की तीन भारतीय शैलियां हैं, मंदिर निर्माण की तीन भारतीय शैलियां हैं, नागर द्रविड़ और वेसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ब्लैक पिगोड़ा किस प्रदेश में है? ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। कहाँ? उड़ीसा में। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसे ही आप लोग ब्लैक पेगोड़ा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपका उड़ीसा में है। राजराजेश्वरम मंदिर जो चोल वंश के सर्वश्रेष्ठ राजा राजा राज चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनवाया था, ये किस देश देवता को समर्पित है? तो आपको मालूम होगा कि शिव भगवान को, किसे? शिव को। ये आपको देखने को मिलेगा केरल के कन्नूर जिले में, ठीक है याद रखिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित पर ध्यान देना है हमें, क्या देना है? ध्यान देना है। खुदाबख्श ओरिएंटल पुस्तकालय, तिब्बती कार्यों और अभिलेखों का पुस्तकालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये सभी किन प्रदेशों में है? ये तीनों आपके किन प्रदेशों में है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार,
हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, यानी कि आपका इसमें क्या लगाएंगे, ए ऑप्शन। क्योंकि आप देखेंगे कि जो खुदाबक्श ओरिएंटल पुस्तकालय है ये आपको पटना में देखने को मिलेगा, तिब्बती कार्यों और अभिलेखों का पुस्तकालय आपको धर्मशाला यानी कि आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको भोपाल में देखने को मिलेगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, लेह में, लेह लद्दाख में। एक बात याद रखिए, अगर आपसे क्वेश्चंस बनता है और आपसे लद्दाख देता है तो आप लद्दाख लगाएंगे, अगर आपसे लद्दाख नहीं देता है, जम्मू कश्मीर देता है, तो आप जम्मू कश्मीर बेझिझक लगाएंगे। क्योंकि आपने देखा है कि अभी कई क्वेश्चंस ऐसे बन चुके हैं और बन रहे हैं जिसमें लद्दाख का नाम ही नहीं आ रहा है, तो आप लद्दाख वहाँ मत लगाइएगा, वहाँ आप जम्मू कश्मीर ही लगाइएगा, ठीक है, याद रखिए इस बात को हमेशा, फिर ऐसा कि आप क्वेश्चंस गलत कर बैठे। संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? तो इसमें देखेंगे आप लोग 54, कितने? 54। हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? वो आपको नीचे लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इसमें सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिसंबर 2003 से प्रमोम मंदिर की बहाली के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके लिए काम कर रहा है? इंडोनेशिया के लिए। किसके लिए? इंडोनेशिया के लिए, ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन है हमारे सामने, तिब्बती बौद्ध धर्म में चेरेन जिग शब्द किससे संबंधित है? यह आपका अवलोकितेश्वर से संबंधित है। किससे? अवलोकितेश्वर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारा, रिगोन थ्रूपटेन मनोविज्ञान मठ कहाँ है? ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। कहाँ? उड़ीसा में। इसका उद्घाटन दलाई लामा ने 2010 में किया था, 2010 में। रोमटेक मठ कहाँ स्थित है? ये आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। कहाँ? सिक्किम में, ये सिक्किम की राजधानी जो गंगटोक है उसमें है, उसके पास, ठीक है। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के निम्नलिखित उप स्कूलों में से किसके अस्थायी प्रमुख हैं? तो आप देखेंगे ये हैं किसके, एक गेलुगपा, प्रोनाउंस में बड़ा बोल कठिन नाम, इस तरह के कठिन नाम रखते हैं, गे ग्रे नहीं, गे लुकपा, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? तो आपको मालूम होगा कि 24, कितना? 24। इसमें आपको देखने को मिलेगी हिंदी, अंग्रेजी, एक बार याद रख लीजिए, कई बार पूछ लेता है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमी, संस्कृत, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजरात, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, इन 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। करंट में जिसे भी मिले उसके उसके नाम भी याद रखा करिएगा, इसीलिए तो बोलता हूँ कि करंट से हमेशा जुड़ा करिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आजकल करंट से अधिक पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों की धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहिब को निश्चित किया और यह निश्चित किया कि यह पुस्तक सिखों की स्थायी गुरु होगी? तो ये आप जानते होंगे कि गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने ग्रंथ साहिब को सिखों का स्थायी गुरु बताया। इनके जन्म की अगर बात करूं तो 5 जनवरी 1666 को पटना में हुआ था इनका जन्म, और डेथ की अगर बात करूं, मरने की, तो 7 अक्टूबर 1708 को इनका
इनका क्या हुआ था, डेथ हुई थी 708, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ? तो ये था गोहर गोहर खान। ये बात है 1902 की, ठीक है। ज्ञान पीठ पुरस्कार के पहले विजेता किस प्रदेश से थे? एक केरल से थे। कहाँ से? केरल से। आपने देखा होगा 1965 की बात है, मलयालम के लेखक थे श्री जी शंकर कुरुप, जी शंकर कुरुप, इनका संबंध केरल से था, ठीक है। हर साल रमजान पिछले साल से होता है 11 दिन पहले, 11 दिन पहले। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन है हमारा क्या है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान के बारे में, कौन से कथन सही है? यह पुरस्कार वार्षिक है यानी कि हर साल दिया जाता है। जूरी की अध्यक्षता भारत के पूर्व न्यायाधीश करते हैं। यह केरल केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, भारत की सभी भाषाओं को दिया जाता है। तो इसमें देखेंगे आप लोग, पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा गलत है जी। तो इसमें तीन आपके सही है कथन। सरस्वती सम्मान जो है एक के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यह भारत के संविधान में अनुसूची 8 में जो शामिल है 22 भाषाएं, उन्हीं को में दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए 22 भाषाओं में। इसमें आपका सी ऑप्शन है, 1 2 3। जब आप लोग, मुझे लगता है कि PDF डाउनलोड करके पढ़ेंगे ना ऐसे एक बार, तो सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? ये फूलों से, सजावट से संबंधित है, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? ये आपका भील जनजाति से। भगत आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है। आपको देखने को मिलेगी कि जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में रहती है भील जनजाति, ठीक है। यह आंदोलन आपका 300 साल पुराना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित हैं? तो आप जानते हैं कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं। किससे? राष्ट्रकूट वंश से, यानी कि डी ऑप्शन सही है। और 1987 में, कब? 1987 में से यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा भी दिया है इसे, इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपका कई बार बन चुका है, मैसूर में स्थित है। एक बार तो आपका UPPCS में भी पूछ लिया था, ठीक है। भारत में संगीत में अभंग किस देवता की भजन है? तो यह है विट्ठल, विट्ठल भगवान। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूल के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का नाम यरूशलेम यरूशलेम में भारतीय धर्मशाला से जुड़ा हुआ है? यह है शेख मोहम्मद मुनीर हसन अंसारी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नित्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? यह आपका है भरतनाट्यम, भटनाट्यम, इसे भटनाट्यम भी कहते हैं, समझ रहे हैं, भरतनाट्यम। तो इन्हें बढ़िया अच्छे से याद रखिए, ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं आपके, समझ रहे हैं आप लोग।
कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली, मणिपुरी, इनके बारे में अच्छे से याद रख लीजिए। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में आपको देखने को मिलता है? एक आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा। इसे आप जानते हैं? उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है इस मंदिर को, भीमा देवी मंदिर को। ये आपको हरियाणा के पंचकुला जिले में देखने को मिलेगा। और आप जानते हैं कि खजुराहो मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में है, समझ रहे हैं? चंदेल राजाओं की राजधानी भी रहा है, इन्हीं ने, चंदेल राजाओं ने मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष यानी कि हर साल हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताओ। तो आपको मालूम होना चाहिए ये मनाया जाता है जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। इसमें हाथियों को सजा धजा कर महोत्सव में लाया जाता है। ठीक है। मैं फाई किस प्रदेश का त्योहार है? मैं दम मैं फाई ये आपको देखने को मिलेगा असम। कहाँ का? असम का। ये आपकी ताई अहोम जनजाति का त्यौहार है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा मनाते हैं। ये अपने क्या करते हैं, इस त्यौहार के दिन पूर्वजों के लिए प्रसाद भी चढ़ाते हैं और पारंपरिक तरीके से भगवान को बलिदान भी देते हैं। क्वेश्चन है हमारा, गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि किस उत्पत्ति की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो आप जानते हैं कि शारदा लिपि से। किससे? शारदा लिपि से। ठीक है। क्वेश्चन हमारा, एजुत चान पुराकरम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है? ये आपका केरल का है। कहाँ का? एक केरल का है साहित्यिक पुरस्कार। ठीक है। बासवश्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? बासवश्री पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? एक कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाता है, कर्नाटक सरकार के द्वारा। सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है आपका। ठीक है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरमैन को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट साहब। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण भारत की धरोहर स्मारकों की देखभाल के लिए बनाया गया है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। ठीक है। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राजपिथौरा कहाँ स्थित है? ये आपको देखने को मिलेगा नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में, जो हमारी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, चिश्ती सिलसिला एक सूफी सिलसिला है जो चिश्त कस्बे से शुरू हुआ है, चिश्त कस्बा कहाँ स्थित है? ये आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा। आपका पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। पीओके वाले हिस्से की सीमा लगती है और सबसे कम सीमा हमारी लगती है अफगानिस्तान से। ठीक है। द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? द्वितीय बुद्ध किसे कहते हैं? ये कहते हैं पद्म संभव को। ये ऑप्शन सही है। क्या है? द्वितीय बुद्ध कहते हैं आप लोग पद्म संभव को। ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ये 1969 में। कब? 1969 में, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। चलिए मिलते हैं हम लोग 21वें टेस्ट में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। आपके जो भी डाउट हो, अगर मुझे लगता है कि जीएस में आप कंप्यूटर साइंस को देख लीजिए, मध्य प्रदेश जीके, उत्तर प्रदेश या पूरा वर्ल्ड जीके, कुछ भी देख लीजिए आप लोग, मैं बहुत कुछ दे चुका हूँ मटेरियल। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप मैसेज करिए, कोशिश रहेगी मेरी कि दे दूँ फ्री, कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक है। तो बताते रहिए, फेसबुक पर आप लोग एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है।